हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही इजी है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम पास्ता ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पास्ता लिया है। मैंने यहाँ पे पैन में रिगाते पास्ता लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल डालने से पास्ता आपस में टूटेंगे नहीं और नमक डालने से अच्छे से पक जाएंगे। हमें 8 से 12 मिनट तक पास्ता को अच्छे से बॉईल करना है। आफ्टर 10 to 12 मिनट्स लेटर मेरा पास्ता बनके अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम पास्ते को छन्नी की हेल्प से ऐसे छान लेंगे। पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स जो लिए है वो है प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले अपनी वेजिटेबल्स को सौते करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अमूल बटर लिया है, जिसको मैं थोड़ा सा पैन में डाल लूँगी और अपनी वेजिटेबल्स सौते कर लूँगी। ये देखिए, हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से सौते हो गई हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच अमूल बटर डालेंगे। और जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाए, हम इसके 2 स्पून मैदा और इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे ताकि नीचे ना चिपके और इसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए। और हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। मेरा मैदा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 1 गिलास दूध ऐड करूँगी। हम यहाँ पर एकदम ठंडा दूध यूज़ करेंगे, गर्म नहीं। ठंडा दूध यूज़ करने से हमारे पास्ते के सॉस में लंग्स नहीं बनेंगे। ये देखिए, आपके पास्ते के सॉस की कंसिस्टेंसी ऐसे ठीक हो जाए। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच, ऑरिगैनो 1/2 चम्मच, और थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्लैक पेपर डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। याद रहे, गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है। जब हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे पास्ता ऐड कर लिया है। अब हम सॉस को और पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।